पैलेस। मैंने 200 में बाइक टैक्सी बुक किया है, काफ़ी डिस्टेंस है यहाँ से, इसलिए मुझे 200 बाट देना पड़ रहा है। चलिए चलते हैं। थैंक यू, मैं पहुंच गया हूं दोस्तों। दोस्तों मैं ग्रैंड पैलेस के अंदर आ गया हूं। जबरदस्त भीड़ यहां पर, काफी लोग आते हैं, मतलब जो भी बैंकॉक आता है वो यहां जरूर आता है। ये पीछे टेंपल है और ग्रैंड पैलेस का मुख्य गेट इस तरफ। चलिए अंदर लेकर चलता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ ग्रैंड पैलेस के अंदर। बहुत सारे लोग, थैंक यू, मुझे टिकट मिल गया है, मैं अंदर जा रहा हूँ। 500 बट का एक टिकट पड़ा। शानदार ग्रैंड पैलेस के अंदर हूँ मैं। दोस्तों देखिए अंदर से व्यू कैसा है ग्रैंड पैलेस के अंदर। चलिए ऊपर लेकर चलता हूँ आपको मैं। यहाँ शायद टेंपल है और क्या क्या है, काफी लोग फोटो खिंचाते हुए यहाँ पर। देखिए थाईलैंड के ग्रैंड पैलेस को मेरी नजर से। वाओ नाइस। दीवार पर नीचे कलाकारी देखिए, ग्लास रंग सजाया गया है, कलर किया गया है। काफी सुंदर महल देखिए। काफी सारे लोग यहाँ पर, सबसे ज्यादा मुझे लगता है चाइनीज ज्यादा है सबसे, क्योंकि चाइनीज टूरिस्ट सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं। ये शायद टेम्पल है। दूर से देखने पे गोल्ड का लगता है लेकिन। गोल्ड का नहीं है।
काफी खूबसूरत दृश्य। अंदर से देखिए ग्रैंड पैलेस को कैसा है। सुना आप लोगों ने, यहाँ पर कुछ नियम हैं। कोई भी महिलाएं शॉर्ट स्कर्ट या स्लीवलेस पहन के यहाँ पर नहीं आ सकते अंदर। गेट पर ही बता दिया गया था, अगर आप पहले से पहन कर आए हैं स्लीवलेस तो आपको यहाँ ड्रेस खरीदना पड़ेगा या फिर किराए पे लेना पड़ेगा। उसका 250 बाट चार्ज है आपको एक फुल स्लीव का शर्ट या फिर कुछ भी महिलाओं का पहनने का जिसमें पूरा हाथ ढका हो, आधा हाथ कम से कम ढका हो। गजब की कलाकारी, अद्भुत। देखिए महल के अंदर का चित्रण इसमें है। पत्थर सीमेंट से इसको बनाया गया है शायद। बहुत सुंदर सजाया गया है। देखिए दीवारों को ऊपर तक आप यहाँ फोटो लेते लेते सज जाओगे। दोस्तों मैं हूँ अभी एक श्रीलंका की फैमिली के साथ, ये भी ग्रैंड पैलेस घूमने आए हुए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कुछ इस प्लेस के बारे में। Say something about this Grand Palace. Yeah, because I think this place is a more historical place and it's related to former story, mythical story about Rama and Ravana. There are a lot of statues around Rama and Ravana. So this one has some kind of a resemblance to Sri Lanka as well, where most of the time we accept in Ravana. So he's not in Indian culture, he's a little bit rejected person, but we have a different perspective on Ravana. Yeah, that's what you have to see, and it's a wonderful place, and we recommend anybody comes to Thailand, have a look and then get the nice pagoda, golden stuff, beautiful place to visit. How many days will you stay here? Oh, we will stay only 4 days. 4 days? 4 days, yeah. Now it's third day? Second day. Yeah. Okay, thank you. Okay. Have a great day. Same to you. Thank you. Bye. Bye. Chaliye. एक श्रीलंका की फैमिली मिली यहाँ पर ग्रैंड पैलेस में। सब जगह लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट टच। आप यहाँ घूमिए, देखिए, फोटो लीजिए, लेकिन टच मत कीजिए। अच्छी बात है। काफी तेज धूप, लेकिन लोग फिर भी धूप की परवाह किए बगैर फोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शूज उतार कर अंदर जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अंदर नो फोटो नो वीडियो लिखा हुआ है। अंदर जाकर वीडियो फोटो नहीं बना सकते, इसलिए बाहर से ही बना लो। ग्रैंड पैलेस के अंदर तो वीडियो बनाना फोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए यहां से कैमरा बंद करके जाना पड़ेगा अंदर। नो फोटो नो वीडियो लिखा हुआ है।
देखिए इसके पिलर देखिए क्या खूबसूरत बनाया गया है। हर जगह छोटे छोटे मिरर ग्लास वर्क है पूरा ऊपर तक जबरदस्त। देखिए वर्क देखिए ग्रैंड पैलेस देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। दस बीस हजार की भीड़ तो मेरे साथ ही आ गई है ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है। ये लोहे का है कहीं कहीं पर लोहे का। चलिए मैं भी कैमरा बंद करके अंदर जाता हूँ। दोस्तों मैं हूँ ग्रैंड पैलेस के अंदर। देखिए यहाँ की दीवार पर किस तरह अंदर का फोटो नहीं ले सका क्योंकि वहाँ कैमरा मोबाइल अंदर मतलब अंदर फोटो खींचना पाबंदी थी। वीडियो बनाना वीडियो भी नहीं बना सकते अंदर। पढ़ने पर मेन पहले से इस साइड है तो टेंपल एरिया था लेकिन यहाँ अंदर घुसना अलाउड नहीं। दोस्तों आज मेरा अंतिम दिन और मैं आया हूँ ग्रैंड पैलेस बैंकॉक में। दोस्तों कभी भी थाईलैंड आइए समय लेकर आइए। मैं सिर्फ 6 दिन का समय लेकर आया था और 6 दिन में 2 दिन तो आने जाने में ट्रैवल करने में लग गया इसलिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय लेकर आइए और आराम से घूमिए क्योंकि किसी भी प्लेस को एक्सप्लोर करने में समय लगता है। कहीं आने जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मतलब किसी भी एक दिन में आप 1 या 2 प्लेस ही कवर कर सकते हैं। दोस्तों देखते रहिए इस तरह मेरे नए नए वीडियोस और भी नए नए प्लेसेस को मैं एक्सप्लोर करूंगा इंडिया और वर्ल्ड में कहीं भी जब भी मौका मिलेगा किसी प्लेस को एक्सप्लोर करने का तो मैं करूंगा। आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है प्लेस। जुड़े रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय। योर गुड नेम? मिया। एंड यू? फाय। फ्रॉम वेयर आर यू? द यूएस। कैन यू से समथिंग अबाउट दिस प्लेस, ग्रैंड पैलेस? वी आर एट द ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस, सुपर नाइस। व्हाट्स योर नेम? प्रदीप फ्रॉम इंडिया। इंडिया। हेलो पीपल फ्रॉम इंडिया। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।